भोपाल में सिटी बस में यात्री पर चाकू से हमला हो गया। वह दर्द से चीखता रहा। बस में सवार दूसरे यात्री तमाशबीन बने रहे, कोई मदद करने नहीं आया। युवक को 20 टांके आए हैं। भोपाल में यात्री वाहनों में सक्रिय जेब कतरे जानलेवा हमला करने लगे हैं। हलालपुरा बस स्टैंड में खड़ी लो फ्लोर बस में जेब कटी का विरोध करने पर दो जेब कतरों ने यात्री पर छुरे से हमला कर दिया। हमले में वह लहूलुहान हो गया। दर्द से वह तड़प रहा था। उसने जेब कतरों को पकड़ने के लिए बस में सवार यात्रियों से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इतना ही नहीं, जब बस के ड्राइवर कंडक्टर से जेब कतरों को पकड़ने को कहा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है। लोगों ने जेब कतरों के हमले में घायल युवक को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने अज्ञात जेब कतरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हाल ही में महापौर मालती रॉय ने पुलिस को जेब कतरों पर कार्रवाई के लिए लेटर लिखा था, लेकिन पुलिस ने पत्र को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। सिर्फ बस में सफर करने वाले यात्रियों को अलर्ट रहने को कहा गया। बस में चोरी की वारदात हो या फिर कोई संदिग्ध महिला दिखे तो तत्काल मोबाइल नंबर 9752399966 और डायल 100 पर सूचना दें। बस के अंदर दो लड़कों ने जेब में हाथ डाला तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज की तो मैंने उससे मारने का सोचा, तो उसने दूसरे लड़के ने पीछे से छुरी मार दी।